लखनऊ में अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अधिकारियों को लक्ष्य तय कर प्रेजेंटेशन बनाने को कहा। 6 महीने, 1 साल, 5 साल का लक्ष्य तय कर प्रेजेंटेशन बनाएं। हर विभाग को आधे आधे घंटे की प्रेजेंटेशन बनाने को कहा गया है। बैठक में लोक कल्याण संकल्प पत्र पर भी चर्चा हुई है। सीएम योगी ने कहा है कि हमें अपने पिछले किए विकास कार्यों के आधार पर ही आगे बढ़ना है। वही प्रेजेंटेशन बनाने के साथ ही रमापति शास्त्री ने भी प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। 28 और 30 मार्च को रमापति 403 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर के शपथ के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। योगी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। 3 महीने के लिए बढ़ाई गई है मुफ्त राशन योजना। यूपी के 15 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है अगले 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना को फिर से लागू करेंगे। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कोरोना महामारी के दौरान ये योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। इसमें प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये मार्च 2022 तक ही थी। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। कैबिनेट बैठक में गरीबों को मुफ्त राशन को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि गरीबों की योगी सरकार ने चिंता की है और यही वजह है कि जनता ने एक बार फिर से भाजपा सरकार को मौका दिया है। कैबिनेट बैठक में पहुंचाना है उत्तर प्रदेश में कानून कार्यवाही स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो उनकी बात ये है। बहुत बड़ी बात ये है कि ये सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिससे 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन।